आ जाओ भैया देख लो, ऐसा वीडियो YouTube पे शायद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं अभी दिखा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा यूनिक कंटेंट है। इस कंटेंट को शायद ही आप देखे होंगे। अगर इस कंटेंट को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूंगा जो 100% इस कंटेंट को आप क्रिएट कीजिए। और ये क्रिएट कैसे होगा सारे चीज में आज की वीडियो में बात करेंगे। चल यहाँ पर सबसे पहले टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे एक YouTube चैनल पे जहाँ पर मैं इस टाइप के वीडियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चल यहाँ से क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दिया हूँ। यहाँ पर जस्ट जो है से चलेंगे एक चैनल यहाँ पर सर्च करेंगे, चैनल का नाम है यहाँ पे एस्ट्रोकैट। यहाँ पर चलिए सर्च करते हैं एस्ट्रोकैट। यहाँ पे एस्ट्रोकैट सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है इस टाइप का ये चैनल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये चैनल पर चलिए हम क्लिक करते हैं। चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइबर की बात करेंगे तो 1.66 मिलियन यहाँ पर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। कितने वीडियो में, तो यहाँ पे 51 वीडियो ओनली अपलोड किया गया है और 51 वीडियो में ही यहाँ पे 1.66 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने ज्यादा वायरल कंटेंट है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप जरूर समझ सकते हैं। और कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं कि कितने ज्यादा जैसे यूनिक कंटेंट है, जिस कंटेंट को अभी के डेट में लोग सभी देखना पसंद करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब शॉर्ट पे आएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चलिए पॉपुलर पे क्लिक करेंगे और पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यूज की बात आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यूज का कगार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं 69 मिलियन से ज्यादा हैं, फिर 42 मिलियन, 32 मिलियन, 16 मिलियन, 14 मिलियन, इस प्रकार से यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं इस वीडियो पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं। आपको सब्सक्राइबर और व्यूज सारे पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया। अब रीजन आती है यहाँ पे जो इस टाइप के कॉन्टेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये कंटेंट कहाँ मिलेगा। फुल कॉपी पेस्ट कंटेंट है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, लेकिन कॉपी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं जस्ट अभी तुरंत मैं बताता हूँ जो कहाँ से आपको ये वीडियो मिलेगा, कहाँ से कैसे कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, सारे पॉइंट मैं बताता हूँ। यहाँ पर चलिए अब आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अपने मोबाइल फोन पे आ जाना है और वहां से आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। चलिए यहाँ से एक एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका नाम है Pinterest। क्या है Pinterest? Pinterest एप्लीकेशन यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। Pinterest एप्लीकेशन सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हम पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं अपने फोन में, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे ऑल टू ऑल वीडियो फ्री रहता है, ठीक ना। अनेक प्रकार के वीडियो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ओके। तो इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप चलाएंगे कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ फटाफट, ठीक ना। चलिए इसे यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बहुत ज्यादा वीडियो यहाँ पे आ चुका है ना। आप दोस्तों यहाँ से आपको वो वाली कंटेंट ढूंढना है जो कंटेंट मैं जस्ट अभी बताया हूँ। इसके लिए आपको सर्च क्या करना होगा पता है आपको, इसके लिए आपको सर्च करना होगा यहाँ पे सर्च बार पर, चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ऊपर में AI Cat Story। चलिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं AI Cat Story। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के वीडियो यहाँ पे भरा हुआ आ गया है, भरा पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड वीडियो है यहाँ पे, बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, ठीक ना। यहाँ से इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको आसानी से इसे कुछ एडिट करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देना है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करेंगे सो पहले यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे चलिए फिलहाल मैं एक वीडियो यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के नीचे में आपको शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको कॉपी लिंक, यहाँ से आपको क्या करना है इस वीडियो को कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करना है, लिंक कॉपी कर लेना है, ओके। चलिए लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ तो हो गया कंप्लीट, समझ लिए। अब यहाँ से करना क्या होगा, आपको यहाँ से चलना होगा बाइक। अब इस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। चलिए यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको Pinterest वीडियो डाउनलोड। चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं Pinterest वीडियो डाउनलोड। सर्च करने के बाद यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर लिंक जो है उस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ चुके हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वो जो लिंक अभी जस्ट आप कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डाउनलोड का नीचे में आइकन दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे आपको राउंड करेगा, कुछ टाइम लेगा, बट यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वीडियो है इसके नीचे में साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं त्रिबिंदु दिख जाएगा, आपको त्रिबिंदु पे क्लिक करना है। त्रिबिंदु पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख जाएगा डाउनलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ तक आप समझ गए, वीडियो आपका हो गया डाउनलोड, सारे कुछ हो गया। यहाँ से अब रही बात यहाँ पे जो आप इस वीडियो को एडिट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली चलना होगा कैनवा एप्लीकेशन पे, वहां से मैं बताऊंगा इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। और यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ पे एक म्यूजिक आपको इस वीडियो में
लगाना होगा, जो कहां से आपको डाउनलोड होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, जो म्यूजिक आप कहां से लेंगे जिससे आपके वीडियो ये वायरल होंगे, ठीक ना। चलिए यहां पे चलते हैं आप कैनवास एप्लीकेशन पे। दोस्तों यहां पे कैनवास इस प्रकार से ओपन कर लेना है, और यहां पे आपको करना क्या होगा, शॉर्ट वीडियो का जो रेशियो होता है फॉर्म, शॉर्ट वीडियो का फॉर्म में आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर पाएँ। इतना सारे करने के बाद यहाँ पे आप मीडिया पर चलेंगे, और यहाँ से आप उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो वीडियो आप यहाँ पे डाउनलोड किए हैं क्रिएट करने के लिए। चलिए यहाँ से हम क्या किए हैं, एक वीडियो रखे हैं डाउनलोड करके, इस वीडियो को यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं आप लोग को जस्ट सिखाने के लिए, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है ना, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं ये वीडियो आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी आपको वाटरमार्क वगैरह कुछ भी यहाँ पर दिखने को नहीं मिल रहा है ना। आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसका ड्यूरेशन जो है थोड़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है स्पीड पे क्लिक करके यहाँ पे इसका थोड़ा इस प्रकार से फास्ट कर दो। जब फास्ट हो जाएगा तो इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इससे क्या होगा अच्छी हो जाएगी, ठीक ना। अब क्या करना है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिक्सर पे चलना है, और यहाँ से इसको क्या करना है इसका जो आवाज़ है उसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप जस्ट क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सी वर्क करना है, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, और यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर आप देख रहे हैं ना, फिल्टर पे क्लिक करना है, जिससे आप इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ना तो क्या होगा जो आपका वीडियो अच्छे ढंग से बन जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिल्टर को हम सेलेक्ट करेंगे, आप चाहेंगे तो कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, आपके पास जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। चलिए यहाँ पे फिल्टर लगा ली, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा क्या करेंगे हाई कर देंगे, जिससे हमारा ये वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो जाए, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको थोड़ा सेचुरेशन भी यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पे लगभग 14 रख लेंगे, आपको जिस हिसाब से सेटिंग होगा उस हिसाब से रख सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ओके। इतने वर्क करने के बाद यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपको फेस स्कैन वीडियो, फेस स्कैन वीडियो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1 मिनट का जो है, या फिर जो है सो 55 सेकंड का जो है सो आप वीडियो शूट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फेस स्कैन वीडियो कैसे एडिट करेंगे। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे, मेरे पास तो वैसे फेस स्कैन वीडियो अलग से इसके लिए पर्सनली तो नहीं शूट किए हैं, बट यहाँ पे जो मैं अभी जस्ट आपको इस वीडियो में शूट करके बताया था उसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यूज कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसको हम कट कूट कर लेंगे, ओके। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे इसको हम खींच के इस प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर ला लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट, फिर वीडियो पे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं नीचे में इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉपिंग, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है इसको ओपन कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको ओपन कर देना है, ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये वाले रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से क्या करना है इसको क्रॉप कर लेना है। चलिए मैं क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, आपको इस प्रकार से कर लेना है। आप चाहेंगे तो गोल वाला भी क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम क्रॉपिंग कर लिए थोड़ा बहुत इस प्रकार से, और आपको भी इस प्रकार से कर लेना है अच्छे ढंग से, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए हो गया, अब यहाँ से बैक चलेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको नीचे में यहाँ पे एड कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे नीचे में एड कर देंगे, जिससे क्या होगा ये हमारे वीडियो में लग जाएगा, और ये हम वीडियो हमारा पूर्ण रूप से हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो फेस स्कैन वीडियो है ये थोड़ा बड़ा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे एक्स्ट्रा जो पार्ट है यहाँ पे राइट साइड वाले उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव हो गया, और यहाँ पे ये लग गया, ठीक ना। सिंपली सी बात है, आप क्या करना है इस पर थोड़ा क्लिक करना है, इसको भी थोड़ा जो है सो कलर वलर अच्छा कर लेना है फिल्टर लगा के। यहाँ पे चलिए फिल्टर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले फिल्टर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको भी कोई फिल्टर होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लिया, अब हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ मिक्सर पे चलेंगे, और यहाँ पे जो आवाज़ होगा बैकग्राउंड उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। चलिए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे वर्क करने के बाद सभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपका वीडियो बन चुका है, ये वीडियो आपका पर्सनल हो चुका है। अब ओनली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना होगा, तो आपको मैं बता दूँ बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब पे जाके जो है आसानी से जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक ना। म्याओ आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे आ जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा MP3 में, ठीक ना। तो आसानी से ये आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं कोई भी म्यूजिक एक यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, सॉरी लेयर पर नहीं, यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करना होगा, ऑडियो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कोई भी म्यूजिक एक मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ या फोल्डर पर चलेंगे, और उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक है, कोई भी एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या किए हैं, म्यूजिक यहाँ पे लगा चुके हैं, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा म्यूजिक है उसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो पे, और यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रिम का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड वाले ट्रिम हमको कर लेना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इतना हम क्या किए हैं, कट कर दिए। अब यहाँ पे वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब चाहेंगे तो अपना वाटर मार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका चैनल का नाम जो है यहाँ पर वो सर्च कर लें। जैसे मेरे चैनल का नाम है आरजे टेक लाइफ, ठीक ना। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ आरजे टेक लाइफ, ओके ना। चलिए यहाँ पर देखिए डाल दिए, डालने के बाद यहाँ करेंगे फिर से यहाँ से क्लिक करेंगे जिससे हमको एडिटिंग करने में अच्छा हो जाए, ठीक ना। यहाँ पर वाटर मार्क आप ऐड कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको छोटा कर लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते मैं आपको दिखाऊँ ये वाले आपको लेयर सेलेक्ट कर, यहाँ पर देखते ये वाले फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। इसमें अब यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जस्ट इसको क्या करना है, जितना बड़ा आपका वीडियो है उतना बड़ा इसको खींच कर बना देना है, जिससे आपको पूरे वीडियो में वाटर मार्क लगी है, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपके वीडियो ये कवर हो जाएंगे अच्छे ढंग से, और पता चले जो ये वीडियो आपका पर्सनल वीडियो है, ठीक ना। कोई यूज भी करेंगे आपका ये कॉपी करके, तो यहाँ पे आपका वाटरमार्क लगा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम ये सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़े आगे आएंगे यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे जस्ट आएंगे और यहाँ पे आने के बाद बीच में आएंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, फिर से प्लस सेकंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बड़ा नहीं करना है, ठीक ना, इसको छोटा ही रखना है। इसको क्या करना है, फिर से पकड़ के ऊपर में इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक ना। यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, इसको नीचे इस प्रकार से कर देना है यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कर दिए, है ना, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर चलिए आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार की वीडियो कम्प्लीट हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, इस प्रकार से आप ये वीडियो क्रिएट करके यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पे सेव एड वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे अपने गैलरी में से सेव कर लेना है। दोस्तों आज आप जरूर समझ गए होंगे जो इस टाइप के कंटेंट को आपको कैसे एडिट करना है, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पर क्या करना है, सारे पॉइंट इस वीडियो में बता दिए हूँ। अगर आप फुल वीडियो वॉच किए होंगे तो आप जरूर समझ गए होंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप नहीं समझे हैं तो हमारे इस वीडियो पे नीचे में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे आगे कहीं भी आप बात कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर ये सारी पॉइंट आप समझ गए हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल